हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सुखप्रीत। इस वीडियो में मैं सर्दियों के लिए एक और आसान मेकअप करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो यूज करने वाली हूँ, ये मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल में ऑर्डर किए थे। सो मुझे लगा हॉल वीडियो की जगह मैं एक ईजी सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं जिससे विंटर्स में ग्लोइंग मेकअप कर सकते हैं, तो वो भी मैं वीडियो में शेयर करूंगी। सो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। कौन से प्रोडक्ट मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल में मंगवाए हैं, उसके साथ सर्दियों के लिए मेकअप कैसे करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ जो मैंने नायका सेल से खरीदे हैं। सबसे पहले मैंने लिया कलरबा का एसीटोन फ्री नेल एनामल रिमूवर। ये नाखूनों को बिना नुकसान पहुँचाए नेल पेंट आसानी से रिमूव कर देता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया के ब्यूटी से नेल नरिश नेल लिकर। ये इन द शेड नटी है, कैटरीना कैफ का जो ब्यूटी ब्रांड है, मैंने वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे। और यहाँ पे इस नेल पेंट के मैंने दो कोट अप्लाई किए हैं। सिंगल कोट के साथ एकदम प्रॉपर फिनिश नहीं आ रही थी, तो मुझे दो कोट अप्लाई करने पड़े। इसके बाद मैंने फेस स्किन केयर के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं। सबसे पहले हिप हॉप के फेशियल वैक्स स्ट्रिप, जिसमें इस तरह के क्लिनजिंग वाइप में आते हैं, दो वाइप्स आते हैं और 10 इस तरह की फेस वैक्स स्ट्रिप्स आती हैं। सो अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको पता है कि मैं फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए वैक्सिंग का मेथड ही यूज़ करती हूँ, और मैं हमेशा वीट की स्ट्रिप्स ही यूज़ कर लेती थी। इस बार मैंने सोचा चलो फेस वैक्स स्ट्रिप्स ट्राई करके देखते हैं, तो मैंने हिप हॉप की मंगवाई। तो अपर लिप्स के ऊपर जब मैंने इसको ट्राई किया, तो ये इतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं किया इसने, लेकिन जब मैंने इसको साइड बन वाले जो हेयर हैं उनको रिमूव करने के लिए ट्राई किया, तो मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। एक ही बार में काफ़ी अच्छे से हेयर रिमूव हो गए, प्लस इसका जो वैक्स है ये काफ़ी सॉफ्ट लगा मुझे एज कम्पेयर टू वीट का जो स्ट्रिप मैं यूज़ करती हूँ। और इसको यूज़ करने के बाद मुझे फेस पे कोई बम्प्स भी नहीं आए। सो यहाँ पे वैक्स करने के बाद जो इसमें वाइप्स दिए गए उसी के साथ मैं पहले फेस क्लीन कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं खादी नेचुरल के पीच लिप बाम के साथ पहले लिप्स को नरिश कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने नायका से मंगवाया वो है जूसी केमिस्ट्री का 100% ऑर्गेनिक हेलीक्राइसम एंड रोजिप ऑयल। ये एंटी पिगमेंटेशन एंटी स्कारिंग ऑयल है जो चेहरे के ऊपर से डार्क स्पॉट्स को फेड अवे करने में हेल्प करता है, जो कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन किया गया था। नाउ ये ऑयल फ्रेग्रेंस फ्री है, ये क्रुएलिटी फ्री ब्रांड है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं होते इनके प्रोडक्ट्स में, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसलिए मुझे ये ब्रांड ट्राई करना था। ये मेरा पहला प्रोडक्ट है जूसी केमिस्ट्री से। अब जहाँ पे मैंने वैक्स किया था वो एरिया छोड़ के फुल फेस पे मैंने ऑयल लगा लिया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने नायका सेल से खरीदा वो है एलेटीन का लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। इसमें मैंने शेड लिया है 03 शेल। इस फाउंडेशन में 4 शेड आते हैं और ये सिर्फ 100 रुपये का फाउंडेशन है। लाइक जब मैंने नायका के ऊपर इसको देखा एंड आई वाज लाइक ये तो मुझे ज़रूर ट्राई करके देखना है कि किस तरह की कवरेज देता है, क्योंकि प्राइस वाइज काफ़ी अफोर्डेबल था। सो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन दे रही हूँ इस फाउंडेशन का। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है और मैं शेड 1 या 2 लेना चाहती थी, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो मैंने 03 पिक किया एंड आई थिंक ये एग्जैक्टली मेरी स्किन के साथ मैच हो रहा है। जैसे लैक्मे के परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन में 4 शेड आते हैं, बिल्कुल वैसे ही शेड्स इस फाउंडेशन रेंज में भी अवेलेबल है। सो मैंने ऑर्डर करके पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाया और उसके बाद ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आई कैन टेल यू कि ये फाउंडेशन एक लाइट कवरेज देता है, बहुत ही शीयर कवरेज देता है, लेकिन हल्का सा ग्लोइंग लुक आता है इससे पूरी स्किन में और आसानी से ब्लेंड हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा थिक या हाई कवरेज वाला ये फाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको नेचुरल मेकअप करना पसंद है देन ये फाउंडेशन बिल्कुल अच्छा रहेगा, खास करके सर्दियों के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर अप्लाई की और आप देख सकते हो मेरे पिगमेंटेशन मार्क्स या हल्के फुल्के स्पॉट्स जो हैं वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और लेयर अप्लाई करके देख रही हूँ कि क्या इसके 2 लेयर लगा सकते हैं। सेकेंड लेयर जब मैंने इस फाउंडेशन का अप्लाई किया तो वो भी आसानी से ब्लेंड हो गया और बिल्कुल भी फेस के ऊपर हैवी या केकी नहीं दिख रहा था, तो डेफिनेटली इस फाउंडेशन को बिल्ड किया जा सकता है, 2 लेयर लगा सकते हैं। इस फाउंडेशन का डिटेल रिव्यू मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने सेल से खरीदा वो है पैक कॉस्मेटिक का टेक द कवर कंसीलर इन द शेड क्लासिक बेज, एंड ये एक मीडियम टू हाई कवरेज कंसीलर है। और मैं लाइट शेड का कंसीलर ढूंढ रही थी, लेकिन ये जो शेड मैंने ऑर्डर किया ये एग्जैक्टली अगेन मेरी स्किन टोन के साथ मैचिंग शेड ही आया है। सो मैं इसको आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, आईज़ के इनर कॉर्नर पर, और जहाँ पर पिगमेंटेशन रह गई जो फाउंडेशन कवर नहीं कर पाया वहाँ पे मैंने इस कंसीलर को अप्लाई किया और एक छोटे कंसीलर ब्रश की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसका भी टेक्सचर मुझे ड्राई स्किन के हिसाब से अच्छा लगा और बहुत ही लाइट वेट लगा मुझे ये वाला कंसीलर भी, तो सर्दियों के लिए आई थिंक ये भी एक गुड ऑप्शन रहेगा।
नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने खरीदा के ब्यूटी का HD सेटिंग पाउडर। ये हाई डेफिनेशन सेटिंग पाउडर है और इसमें 8 अलग शेड्स आते हैं। मैंने इसमें बनाना पाउडर पिक किया और इसके साथ जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उसको सेट कर रही हूँ। सो सर्दियों में खास करके मैं कॉम्पैक्ट अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है और ये जो लूज पाउडर है सिर्फ मैंने कंसीलर को सेट करने के लिए ही इसको यूज़ किया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया के ब्यूटी का ही कॉन्टोर स्टिक इन द शेड कोको फोकस। तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाएं कॉन्टोरिंग कैसे करें, तो उसके लिए मैंने ये कॉन्टोर स्टिक ऑर्डर किया और आज की वीडियो में मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई भी कर रही हूँ। सो मैंने इसको हॉलोज ऑफ द चीक जॉ लाइन पे और हल्का हल्का फोरहेड पे डॉट करके अप्लाई किया और फाउंडेशन ब्रश के साथ ही मैंने इसको ब्लेंड किया। नाउ ये बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो गया एंड बिल्कुल भी कोई हार्श लाइन्स नहीं दिख रहे थे। सो आई कैन से कि बिगनर्स के लिए अगर आपने अभी तक कोई भी कॉन्टोर स्टिक नहीं लिया है चेकआउट दिस वन टाइम, क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग बहुत ईजी थी, इसको यूज़ करना ईजी था। इस कॉन्टोर स्टिक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे यही लगा कि एक तो ये रिटेक्टेबल नहीं है और इसके साथ कोई शार्पनर भी नहीं दिया गया है, तो जिस प्राइस रेंज में आती अगर ये रिटेक्टेबल होती तो ज़्यादा बेहतर रहता। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ माइग्लैम का के प्ले स्ट्रॉबेरी ब्लश। ये मुझे माइग्लैम ने भेजा था, ये बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, मैं आज पहली बार यूज़ कर रही हूँ। सो मुझे लगा चलो इसी वीडियो में आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। एंड सेम उन्होंने मुझे माइग्लैम का के प्ले हाइलाइटर भी सेंड किया था। सो इस तरह का एक कुछ रोज गोल्ड कलर का हाइलाइटर है, बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है फेस के ऊपर। सो यहाँ पे मैंने ब्लशर अप्लाई किया था, उसके ऊपर ही हायर पॉइंट्स ऑफ द फेस पे फैन ब्रश की मदद से मैं ये हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ एंड बिल्कुल भी चंकी नहीं है ये हाइलाइटर, इसको थोड़ा सा मैंने ब्रिज ऑफ द नोज और फोरहेड पे भी अप्लाई किया। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया नायका सेल से वो है इन कलर की ये आई पेंसिल, जिसमें शेड मैंने लिया रोमांटिक पर्पल। इसमें ये एक ही शेड बचा था, एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं ये आई पेंसिल चेक करूँ, इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं और प्राइस भी मुझे अफोर्डेबल लगा था। सो मैंने इसको एक ही शेड बचा था तो मैंने वही शेड ले लिया। अब वाटर लाइन के ऊपर इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन लोअर लैश लाइन के ऊपर काफ़ी अच्छा बढ़िया पर्पल कलर आ गया है और लाइनर भी इसके साथ लगा सकते हैं। सो आज के मेकअप के हिसाब से मुझे आईज थोड़ी सी डल लग रही थी, तो आईज को ब्राइटन अप करने के लिए मैं माइग्लैम का ही ये ब्लश यूज करने वाली हूँ। पिंक शेड में है तो एक आई शेडो ब्रश के साथ मैं इसको पूरी आईलिड के ऊपर ब्लेंड कर लूंगी। सो इट्स अ वेरी इजी स्टेप, सिंपल और रोजाना में अगर आपको मेकअप करना है तो आप अपने ब्लशर को ऐसा आई शेडो भी यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसे वीडियोज पहले भी शेयर किए हैं कम प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप कैसे करें। लेट मी नो अगर आप सर्दियों में सिर्फ 4 चीजों के साथ मेकअप करने का तरीका वीडियो देखना चाहते हो, आई वुड लव टू शेयर दैट। नेक्स्ट मैंने कोलोसल मस्कारा के साथ लोअर और अपर लैश को कोट कर लिया है। अब बारी है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक में मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले है ये एलिटीन की लिपस्टिक जो मुझे फाउंडेशन के साथ एज अ फ्री प्रोडक्ट आई है और ये इसका शेड ये W12 इसका नंबर है। एंड सेकंड लिपस्टिक है ये के ब्यूटी की और ये भी एज अ फ्री प्रोडक्ट ही आई है और इसको ओपन करने के बाद मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि इसका क्रेयॉन पूरे का पूरा बाहर निकला हुआ था, तो मुझे पुश करके उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करना पड़ा। सो मैंने ऑलमोस्ट 1200 के प्रोडक्ट्स के ब्यूटी के खरीदे थे तो उसके साथ ये क्रेयॉन जो है वो फ्री प्रोडक्ट था। सो आज के मेकअप के हिसाब से मुझे एलिटीन की लिपस्टिक सबसे बेस्ट लगी एंड सर्दियों के लिए अगर मैं आपको बता दूं, आप अफोर्डेबल लिपस्टिक ढूंढ रहे हो, डू चेकआउट क्योंकि ये लिप्स को नरिश भी करती है। इसका स्टेइंग पावर 2-3 घंटे तक का ही है लेकिन मुझे ये लिपस्टिक एक्चुअली अच्छी लगती है। सो ये मेरा फिनिश्ड मेकअप सर्दियों के लिए आसान और सिंपल तरीके से एंड इसको मैंने इंडियन अटायर के साथ कंप्लीट किया है। मैंने पंजाबी सूट पहना हुआ है, बिंदी और इयररिंग के साथ ये सर्दियों का मेकअप लुक मैंने कंप्लीट किया। एंड लेट मी नो कि आपको मेरा ये नायका सेल हॉल इन द फॉर्म ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप करने का जो तरीका मैंने विंटर्स के लिए शेयर किया स्टेप बाय स्टेप, आपको ये कैसा लगा। एंड अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।